तो क्या हाल लॉन्डो, जब भी एनिमी आपके क्लोज हो तो भाई दे जिगल करते रहो। अगर आपका जिगल अच्छा हुआ तो आप उसको हरा दोगे, अगर आपके जिगल में थोड़ी सी भी कमी है तो भाई वो बंदा भी जिगल करना जानता है, क्योंकि आजकल जिगल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सभी इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इस बंदे ने पूरा मतलब प्लान की लॉबी में पूरा भसड़ मचा के रखा था कि भाई दे जिगल। मैं वो सुना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा लंबा था। मैं जब तक मेरा उतरने का हॉट ड्रॉप आया तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे उतर जाते हैं, और मैं जाता हूँ सवर्णी। तो भाई सवर्णी में देखो, मैं कोई भी बंदा नहीं आता, मैं पूरा सवर्णी आराम से लूटता हूँ, अच्छी लूट कर लेता हूँ, सब कुछ मेरे को मिल जाता है, M4 और M249। लूटने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैंने सोचा, देखो स्टालवेयर की साइड जोन था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कटेगा ऊपर की साइड जोन, तभी मेरे को ये बॉट दिख जाता है। और यहाँ पे देखो स्क्वाड हाउस में एक बंदे ने जली हुई गाड़ी लगा रखी है, देखो सामने अगर आपको दिखी हुई तो उसने सोचा कि अगर लेफ्ट से कोई बंदा, लेफ्ट वाले गेट से अगर कोई आएगा तो भाई वो जैसे ही गेट खोलेगा और उसको डैमेज पड़ेगा और वो मर जाएगा। लेकिन भैया हमने थोड़ा दूर से फायर लेने की कोशिश करी, क्योंकि थोड़ा नेट भी किया इसके ऊपर, मैंने सोचा वहाँ पैनिक रूम में हो सकता है। लेकिन तभी एक गाड़ी गुजरता है मेरे पास से, और देखो कैसे गिराया मैंने उस गाड़ी से उसको। अगर अच्छा लगा हो तो भाई, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ये गाड़ी से अभी एक ही गिरा है यहाँ पर, भाई मैंने जितने भी किल किए हैं उसमें से 3-4 किल छोड़ दो, बाकी के सारे मैंने ऐसे ही गिराए हुए हैं बंदों को, गाड़ी से ही पूरा मैंने किल लिया जितना भी लिया इस गेम प्ले में। तो भाई वहाँ पे उस बंदे ने ज़्यादा ही हार्ड कैंप कर रखा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, क्योंकि अभी माइनस खाने का कोई मूड नहीं है हमारा। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक गाड़ी आता और दूर रुक जाता है घर के, तो मैं जैसे ही उसको फायर देता हूँ तो कवर में गया, तो मैं सोचता हूँ अंदर जाके मारूंगा उसको, लेकिन तभी मेरे को साउंड आता है और वो बंदा मेरे पे पुश कर रहा था। उसने सोचा कि वो अंदर जाएगा और मैं भी अंदर जा सकता हूँ, इस मतलब जो भी गैप है वो नहीं आ पाया, और मैंने साउंड लेकर उसको मार दिया। तो यहाँ पर मैं नीचे ही कैंप कर रहा था। देखो अब घर की सिचुएशन होती है, अब ऊपर साइड अगर ये घर आपको जानते हो, माल्टा के पास ये हाउस है, स्क्वाड हाउस और ये घर, तो यहाँ पर ऊपर साइड जो पहाड़ी है ना, वहाँ से अगर मैं इस घर के ऊपर गया तो पहाड़ी से मेरे को कहीं से भी शॉट आ सकता है। जो लेफ्ट में आपको दिख रही है गाड़ियाँ जिस साइड जा रही हैं, तो इनको मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी डैमेज भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ हो गया मेरे स्प्रे को, जब से मैंने आईफोन लिया है तभी थोड़ा बहुत चोक कर जाता है कभी कभार। तो अब देखो सामने स्क्वाड हाउस में एक बंदा है, और उस बंदे को मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब मैं उससे ज़्यादा फाइट नहीं ले रहा था। मैंने सोचा वो अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे को वो नेड कर देगा, तो मैं अगर वो नेड करेगा तो मैं भी नेड कर सकता हूँ। मैंने सोचा शायद पैनिक रूम में हो, लेकिन वो नहीं होता है वहाँ पे। तो मैं तुरंत ही, देखो अब चारों तरफ से एंगल है मेरे ऊपर, अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो चारों तरफ विंडोज़ हैं मेरे पे, एंगल बन जाएगा आसानी से बंदों का, और वन शॉट किल अगर कोई बोल्ट एक्शन हुई तो मेरा यहाँ पर डब्बा बन जाएगा और मैं लॉबी में। तो मैंने कहा भाई नीचे ही होल्ड करते हैं, तभी देखो एक गाड़ी आता है बग्गी। अब देखो इस बंदे को इतनी जल्दी थी घुसने की, क्योंकि चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं, गाड़ियाँ आपने देखी होंगी जाती हुई, अभी और देखोगे कि चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं, और इस बंदे को इतनी जल्दी इसलिए पड़ी क्योंकि चारों तरफ बंदे हैं और उसको मार सकते हैं। तो उसने कहा आप जल्दी से जल्दी घर में घुस जाओ, ऊपर बंदा होगा। लेकिन मैं नीचे ही था, क्योंकि ये घर की सिचुएशन ही ऐसी है, इस घर में नीचे ही होल्ड कर सकते हो अगर आप सोलो हो तो, डुओ तो चल जाएगा, लेकिन सोलो में आपको इस घर में नीचे ही होल्ड करना पड़ेगा। स्क्वाड हाउस में आप कर सकते हो ऊपर होल्ड, लेकिन इस घर में नहीं कर सकते। इस घर में करोगे तो कहीं ना कहीं से शॉट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ से होती है भसड़ शुरू। देखो 29 अलाइव हैं, और देखो इतना सा जोन बचा हुआ है, इतना सा मतलब बहुत ही छोटा। मैं जब यहाँ पर आया था इस घर में, तो मेरे को लगा कि भाई शेल्टर में जोन कट सकता है, पर मैं वहाँ नहीं रुका और यहाँ पर आके रुका। मैंने सोचा शेल्टर में कहाँ कटेगा, यहाँ पे ही कटना चाहिए आई थिंक, लेकिन वो शेल्टर की साइड चला जाता है। तो भाई जैसे ही जॉन कटता है, मेरे को जाना था जॉन में, और देखो गाड़ियाँ देखो आप कितनी ही गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं उसको डैमेज देने की कोशिश की, मैंने कहा वेस्ट कर रहा हूँ मैं एमो, बचा के रखते हैं हम एमो, क्योंकि अगर मैं वेस्ट कर दूंगा तो एंड जॉन में मेरे को मरना पड़ जाएगा। तो जैसे ही जॉन शिफ्ट हुआ, शेल्टर की साइड पूरा जॉन शिफ्ट हो चुका था। देखो अब मेरे साथ यहाँ पर एक कांड हो जाता है।
वो कारण था कि भाई देखो मेरी गाड़ी जो मैं डासिया लेके आया था, मैंने सीधा घर में ठोंका था, उससे ये गाड़ी फंस गई। अब ये गाड़ी नहीं निकल रही थी और मेरे पास एक ही गाड़ी थी जो थी उस एनिमी की, और वो फूटी भी नहीं थी। तो मैंने उस पर एक स्मोक किया और रिस्क से, क्योंकि स्क्वाड हाउस में बंदा था, मैंने पूरा रिस्क लेके जैसे ही स्मोक हुआ मैंने पूरा रिस्क लिया। और भाई क्योंकि जाना था मरना, अगर मैं पैदल जाता तब भी मरना था, इससे अच्छा मैं यहाँ पर गाड़ी लेने की कोशिश करूँ, अगर उसमें मर जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मरना तो तय है अगर आप पैदल जाओगे। देखो चारों तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही होंगी। अब देखो आ चुके हैं हम एंड के जोन्स में, और इतना सा जोन बचा हुआ है और भाई बंदे अभी भी 25 अलाइव हैं। तो देखो शेल्टर यहाँ पर सामने वाले में बंदा, एक गाड़ी तो दिखता है, मैंने सोचा राइट में गाड़ी लगाऊंगा, अगर लेफ्ट में बंदा हुआ सॉरी राइट में सेक पे बंदा हुआ तो मैं उससे बच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता और वो बंदा होता है सेक में, क्योंकि गाड़ी वहीं लगा था और उस बंदे ने गलत सेक होल्ड कर रखा था, क्योंकि इस गुफा में जो भी आएगा तो यहाँ से आसानी से नेट कर सकता है, और उसने नेट किया नहीं फूटा। अब थी मेरी बारी, तो भाई इस नेट को देखो क्या ही बिल्कुल कुक नेट था, एक सेकेंड गिरा बूम फूट गया। उस बंदे ने क्यों गलत सेक होल्ड कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे देखो यहाँ से आसानी से कवर था, ऐसा सेक होल्ड करो जहाँ आसपास कोई कवर ना हो, क्योंकि अगर बंदा आ गया आसपास आपके तो आसानी से उस सेक में नेट कर सकता है। अब यहाँ से तुम सिर्फ बंदों को देखो, अब मैं यहाँ पर कमेंट्री बहुत कम करूँगा, कहीं कहीं कर दूँगा कमेंट्री कि यहाँ पर मैंने कितने बंदे गिराए हैं गाड़ी से। तो देखो भाई मैं सोच रहा था कि भाई मैं अगर एज पे ही रहूँगा, गेट पे ही रहूँगा अगर इस शेल्टर के, तो भाई आसानी से बंदों को मार सकता हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पर आके रुक गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं नीचे हुआ वो मेरी गाड़ी फोड़ सकता है, गाड़ी फोड़ने के बाद मेरे ऊपर नेट कर सकता है, मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं यहीं पर होल्ड किया था। अगर कोई बंदा आया तो भाई देखो पहला के लिए ये बंदा बच गया, रीलोड हो गया, नहीं तो ये भी जाता। अब देखना इतने मतलब 6 किल हो चुके हैं, यहाँ पे 3 किल लूँगा और वो भी सारे गाड़ी से गिरा के। देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, फूटी हुई जली हुई गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं बंदे। ये देखो दूसरा, चलो भाई निकलो। तो मतलब मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे ऐसे गेम प्लेज और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप फॉलो मतलब लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी गाड़ी, ये मुझे लगा कि भाई इसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि ये बहुत स्पीड में लेके आ रहा था और इसकी जली हुई गाड़ी थी। मैं गाड़ी पे मारता तो गाड़ी भी फूट सकती थी, मैंने सोचा गाड़ी पे क्यों मारूं, सीधा इसको ही मारते हैं, और इसको मैंने गिरा दिया और मेरी गाड़ी में इसकी गाड़ी ठुक गई और मेरे को चाहिए थी लूट। देखो मेरे पास लूट नहीं बची, और इस बंदे को मारने के बाद आपको लगेगा कि लाइक सब्सक्राइब तो अब तक करना कर देना ही चाहिए, क्योंकि रेड डॉट से बहुत थोड़ा सा ही बंदा दिख रहा था, पर बिल्कुल ज़रा सा ही। तो देखो यहाँ से जोन शिफ्ट हो चुका है और मेरे पास लूट बहुत कम थी, तो मेरे पास 40x84 एमओ थी, तो मेरे को चाहिए थी और एमओ, क्योंकि आप एंड के जोन्स में सभी बंदों को भगाने के लिए एमओ का इस्तेमाल करते हैं और एमओ आपके पास भरपूर होनी चाहिए एंड के जोन्स में। तो मैंने यहाँ पर एमओ लूट लिया था, 200-240 जो भी था मेरे पास एमओ, मैंने कैन भी फेंक दिया और एमओ भर लिया, क्योंकि एमओ से ही अब मैं बचूंगा, क्योंकि ओपन जोन है, नेट बेट का कोई चांस ही नहीं है, स्मोक का हो सकता है, लेकिन मैंने नेट भी रखे थे। तो मैं यहाँ पर इस गाड़ी को हटाता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरी गाड़ी का टायर फूटा है। जब भी मेरे को दिखा कि मेरी गाड़ी का टायर फूटा है तो मैं इस बंदे की ले लेता हूँ डासिया और यहाँ से निकलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दुर्घटना होने वाली है, लेकिन मारूंगा तो मैं बहुत मारूंगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं निकला, मैं जॉन के एज से जा रहा था, अगर सामने बंदा भी हो तो ये मतलब सही है, इधर पर अगर जॉन बनता है तो आप यहाँ पर बच सकते हैं। ये गाड़ी मैंने जली हुई देखी, तो मैंने पहले कन्फर्म किया कि बंदा है यहाँ पर कि नहीं, तभी मेरे पे फायर आ जाता है BSS का कहीं दूर से। तो मैंने कहा कहीं दूर बंदा है BSS का, तभी देखो जॉन भी आ रहा है पीछे पीछे, तो मैंने कहा अब जॉन के साथ जाऊंगा, अगर कोई पीछे बंदा स्नेक हुआ तो मेरे को पता लग जाएगा कि बंदा है मेरे पीछे, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता और मैं इस तरीके से गाड़ी लगाता हूँ कि मेरा पूरा कवर बन जाता है दोनों साइड से। अब देखो बी शेप में, अब देखो इन ये भाई मतलब मैं भी इनको यूज करता हूँ जब मेरे को फिलर मिलती है। मैं कभी भी AWM ग्रोजा फ्रोजा कुछ नहीं मंगाता, मैं इसी को मंगा लेता हूँ और भाई आराम से एंड जोन में सर्वाइव कर सकते हैं आप भी इससे। और इन दोनों बग्गियों वालों को देखो, आपने नोटिस किया हो तो मैंने बहुत सारे किल लिए हैं गाड़ियों से चलते हुए बंदों को गिराया है। तो अब देखो BRDM से क्या हाल होने वाला है मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर देखो सामने से आएगा BRDM और BRDM मेरी गाड़ी में टक्कर मारेगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को गेट इन करने की कोशिश करूँगा,
कि भाई मैं अपनी गाड़ी में गेट इन कर लूँ तो वो भी टक्कर अगर मारेगा मेरी गाड़ी में तो बच जाऊँगा मैं, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो आपको दिखेगा कि भाई ये किसी के साथ ना हो। तो भाई मैंने पूरा कोशिश किया गेट इन करने का लेकिन नहीं हुआ। वो अगर गेट इन हो जाता तो मेरे चांसेस थे यहाँ बचने के, लेकिन उसने भाई इतना बड़ा गाड़ी है ये कि आपको आसानी से ले सकता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।